मॉन्स्टर मूवीज एक ऐसा जॉनर है जहां मूवी मेकर्स और क्रिएटर्स अपनी इमेजिनेशन से स्टोरी टेलिंग को लेवल अप करते हैं और इस इमेजिनेशन में आते हैं डेडली क्रिएचर्स, स्केरी और सुपर नेचुरल हॉरर दिखने वाले बेसिकली मॉन्स्टर्स डेमन्स। मूवी में आप वो सब कुछ इंजॉय करते जो एक परफेक्ट रियल वर्ल्ड की पॉसिबिलिटी वाली कहानी में नहीं होती। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी बैच, जहां हम पेश करते हैं टॉप 10 लिस्ट ऑफ मूवीज एंड वेब सीरीज। और आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं टॉप 10 बेस्ट हिंदी डब्ड मॉन्स्टर की हॉलीवुड मूवीज, और ये होगा पार्ट 1। तो अब बिना किसी देरी और फॉर्मेलिटी के शुरू करते हैं ये वीडियो। नंबर 10, ये मूवी वीडियो गेम पर बेस्ड है। एक यूनिवर्स में बैटल्स हो रहे हैं जिनकी स्टेक काफी हाई है। ऐसे में एक एमएमए फाइटर अर्थ के सबसे ग्रेटेस्ट चैंपियन के अगेंस्ट फाइट लेता है ताकि वो अपने आप को और अपनी फैमिली को बचा सके। मूवी का नाम है मॉर्टल कॉम्बैट, जो कि आई थी 2021 में। एक्शन एडवेंचर और फैंटेसी जॉनर की और आईएमडीबी रेटिंग है 6। इस मूवी में फैंटेसी मार्शल आर्ट्स को बखूबी तरीके से दिखाया गया, और क्योंकि ये वीडियो गेम वर्जन पे बेस्ड है तो इसके फाइट सीक्वेंस और इमेजिनेशन कैरेक्टर ऑडियंस को काफी अट्रैक्ट करते हैं। अवेलेबल है ये नेटफ्लिक्स पर। नंबर 9 की बात कर ली जाए तो दोस्तों, कहानी है 15th सेंचुरी की, जब ट्रांसिल्वेनिया में व्लाड 7th, जो वलाचिया का प्रिंस है, वो अपनी फैमिली के साथ खुशी से जीता है। व्लाड एक ड्रैकुला है, वो हमेशा अपने लोगों की सुरक्षा चाहता है, खास करके ऑटोमन एम्पायर से। लेकिन चीजें तब बदल जाती हैं जब सुल्तान मोहम्मद 2nd अपनी आर्मी के लिए 1000 लड़कियों की मांग करता है, जिसमें व्लाड का बेटा भी है। सस्पेंस और ड्रामा से भरे इस मूवी का नाम है ड्रैकुला अनटोल्ड, जो कि आई थी 2014 में। एक्शन ड्रामा और फैंटेसी जॉनर की आईएमडीबी रेटिंग 6.2। मूवी में डेमन्स, वैम्पायर्स, ड्रैकुलास, ड्रैगन्स जैसे कैरेक्टर्स को काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया गया है। ये एक परफेक्ट वैम्पायर मूवी है, और हाँ, ये ड्रैकुला को समझने और देखने का नजरिया बदलती है। अवेलेबल है ये प्राइम वीडियो प्रीमियम पर। नंबर 8 की अब बात कर ली जाए तो दोस्तों, कहानी एक यूएस नेवी बॉम्ब एक्सपर्ट की, जो सैन फ्रांसिस्को में अपनी फैमिली से रीयूनाइट होता है, लेकिन उसे जापान जाना पड़ता अपने फादर को मुश्किलों से निकालने के लिए। दोनों एक आने वाली तबाही से अनजान थे, और ये है एक डेडली फाइट। समुद्र से आया हुआ गॉडजिला, जो किंग ऑफ मॉन्स्टर्स है, और दो MUTOs के बीच। MUTO यानी कि मैसिव अनआइडेंटिफाइड टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। म्यूटो गॉडजिला का ही रूप है, और इनकी वजह से ह्यूमैनिटी खतरे में है। मूवी का नाम है फ्रेंड्स गॉडजिला, जो कि आई थी 2014 में। एक्शन एडवेंचर और साईफाई जॉनर की आईएमडीबी रेटिंग 6.4। प्रोडक्शन हाउस ने डेंजरस येट आई प्लीजिंग टाइप डिजाइन किया है क्रिएचर्स को। ज्यादातर सीन्स नेचुरल डार्क लाइटिंग में की गई है, जो इस मूवी में गॉडजिला को रियल फील करवाते हैं। CGI का इस्तेमाल बहुत अच्छे से है। अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। नंबर 7, ये मूवी सेट है फ्रेंड्स 1973 में, जहां कुछ साइंटिस्ट, सोल्जर्स और कुछ एडवेंचरर्स की टीम एक साथ आते हैं। उनका मिशन है पैसिफिक ओशन में एक मिस्टीरियस मिथिकल आइलैंड को एक्सप्लोर करने का। आइलैंड का नाम है स्कल आइलैंड। सारे तरीके के कम्युनिकेशन से दूर ये आ पहुंचते हैं आइलैंड के अंदर माइटी कॉन्ग के डोमेन में। फिर क्या, जल्दी ये मिशन ऑफ एक्सप्लोर मिशन ऑफ सर्वाइवल में बदल जाता है। मूवी का नाम है कॉन्ग स्कल आइलैंड, जो कि आई थी 2017 में। एक्शन एडवेंचर और फैंटेसी जॉनर की और आईएमडीबी रेटिंग है 6.6। तो दोस्तों, इसके एक्शन सीक्वेंस एंड कास्ट की परफॉर्मेंस भी ऑडियंस को अपने साथ बांधे रखती है। 90th एकेडमी अवार्ड्स में इसे बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए नॉमिनेशन मिला था। अवेलेबल है ये प्राइम वीडियो पर। नंबर 6, तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी फ्यूचर में सेट है, जहां पैसिफिक ओशन से बहुत सारे मॉन्स्टरस डेंजरस क्रिएचर्स, जिन्हें कैजू कहा गया है, वो ह्यूमंस पर अटैक करते हैं। इनके अटैक को रोकने और इन्हें खत्म करने के लिए मैनकाइंड बनाते हैं जॉइंट रोबोट, जिसे कहा गया है जियागर्स। हम बात कर रहे हैं मूवी जिसका नाम है पैसिफिक रिम के बारे में, जो कि आई थी 2013 में। एक्शन एडवेंचर और साईफाई जॉनर की आईएमडीबी रेटिंग है 6.9। अमेजिंग विजुअल इफेक्ट्स, आउटस्टैंडिंग मॉन्स्टर एंड रोबोट डिजाइन इस मूवी की स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। साईफाई सीन्स तो भाई बस अनरियल फैंटास्टिक है। अवेलेबल है ये नेटफ्लिक्स पर। नंबर 5, तो दोस्तों, इस मूवी में एक साउथ कोरिया का केयरलेस मिलिट्री पर्सनल हैंड रिवर में केमिकल्स डंप कर देता है। कई सालों के बाद एक क्रिएचर नदी के गंदे पानी से इमर्ज होता है, और फिर क्या, बस तबाही। उसके बड़े खतरनाक जॉज में सिर्फ सियोल के रेसिडेंट्स हैं। मूवी का नाम है द होस्ट, जो कि आई थी 2006 में। ड्रामा, हॉरर और साईफाई जॉनर की आईएमडीबी रेटिंग है 7.1। इसमें जो म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स फिश है,
उसको देखकर ही रूह कांप जाती है। मूवी के पॉजिटिव्स हैं इसके विजुअल्स, सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर। इंप्रूवमेंट की बात की जाए तो इसके VFX CGI और बेटर हो सकते थे। अवेलेबल है MX प्लेयर पर। नंबर 4 की अब बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इस मूवी में एक वुमेन एक टीम बनाती है जिसमें वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस कॉन्विक्ट्स हैं, जैसे कि ब्लड स्पॉट, पीस मेकर, किंग शॉक, हार्ली क्वीन, जोकर, डेड शॉट, ब्लैक गार्ड, कैप्टन बूमर और अरे सब यही सुनोगे क्या, बाकी मूवी में देख लेना भाई। तो इन सब के अंदर एक बॉम्ब फिट है और वो जाते हैं एक रिमोट आइलैंड में। इनका मिशन है जायंट एलियन स्टारफिश को खत्म करना। ये टीम कहलाती है सुसाइड स्क्वाड। जी हाँ, मूवी का नाम है द सुसाइड स्क्वाड, जो कि आई थी 2021 में एक्शन एडवेंचर और कॉमेडी जॉनर की, और IMDb रेटिंग है 7.2। कॉमेडी के तड़के के साथ ये मूवी स्टार्ट से एंड तक जॉय राइड है। कैमरा वर्क फुल टॉप लेवल बोले तो डोप, सबकी एक्टिंग, म्यूजिक और हाँ कहानी मूवी का सेलिंग पॉइंट है। अवेलेबल ऑन प्राइम वीडियो प्रीमियम पर। नंबर 3, दो फेडरल एजेंट मेन जो काम करते हैं अनऑफिशियल लेकिन हाईली फंडेड गवर्नमेंट एजेंसी के लिए, उनकी नजर है एलियंस पे और एलियंस की नजर है न्यूयॉर्क सिटी पे। दोनों एजेंट का बस एक मकसद, ह्यूमैनिटी को बचाना इन डेंजरस एलियन से। मूवी का नाम है मेन इन ब्लैक, जो कि आई थी 1997 में, एक्शन एडवेंचर और कॉमेडी जॉनर की, IMDb रेटिंग है 7.3। इसमें विल स्मिथ और टॉमी ली ने सुपर्ब एक्टिंग की है। ये मिक्स ऑफ कॉमेडी एक्शन है। इसका स्क्रीन प्ले कहानी को एक लेवल अप करके रखती है। अवेलेबल है सोनी लिव पर। नंबर 2, 7 रिजेक्टेड बच्चे जिन्हें सोसाइटी ने निकाल दिया है, वो अपनी लाइफ की सबसे खतरनाक और चैलेंजिंग डेज देखने वाले हैं। हर एक 27 साल में सीवर से इमर्ज होता है एक एंशिएंट शेप एविल क्लाउन, जिसके निशाने पर होते हैं शहर के बच्चे। अब इन 7 बच्चों को अपने पर्सनल फियर को दूर रखकर साथ आना है और बैटल करना इस मर्डरस और ब्लड थर्स्टी क्लाउन से। मूवी का नाम है इट, जो कि आई थी 2017 में, हॉरर जॉनर की, और IMDb रेटिंग 7.3। मूवी में क्लाउन का कैरेक्टर टेरिफाइंग और स्केरी है दोस्तों, जो कहानी को फुल जस्टिफाई करती है। नॉट टू फॉरगेट जो बच्चे हैं इसमें, क्या ही एक्टिंग की है सबने। हॉरर ऐसा जिसे आप एज ऑफ द सीट पे ही रहोगे। अवेलेबल है प्राइम वीडियो पर। और आखिर में बात कर ली जाए नंबर 1 के बारे में, तो दोस्तों धरती पर बहुत मिस्टीरियस और स्केरी दिखने वाले क्रिएचर्स हमला करते रहते हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, बस वो साउंड को चेस करते हैं और जो उनके रास्ते में आए वो तो तबाह। अब बस कुछ गिने चुने लोग ही बचे हैं और कहानी इसे अटैक के 89 डेज के बाद शुरू होती है, जहां एक फैमिली इस टेंस साउंडलेस सिचुएशन को टैकल करती है। उनके सर्वाइवल का बस एक ही रास्ता है, आवाज ना करना। मूवी है अ क्वाइट प्लेस, जो कि आई थी 2018 में, ड्रामा हॉरर और साईफाई जॉनर की, और IMDb रेटिंग है 7.5। मूवी आपको एक एड्रेनल रश जरूर देगी। इसकी स्पेशलिटी है दोस्तों कि एक्टर्स ने बिना साउंड और डायलॉग्स के शानदार एक्टिंग की है। क्रिएचर्स तो कतई डरावने हैं, आप इसकी आउटस्टैंडिंग स्क्रीन प्ले को भी इग्नोर नहीं करोगे। अवेलेबल है ये प्राइम वीडियो पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम बहुत मेहनत से ये सिलेक्शन लेके आते हैं। अपना प्यार इस वीडियो को लाइक और चैनल मूवी बैच को सब्सक्राइब करके जरूर देना। मिलते हैं जल्द, तब तक के लिए करते रहिए सारे मूवीज को बिंज वॉच।